नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आए एक हिस्टोरिकल प्लेस में, जहाँ पे मैं आपको आज जैसे भगवान के दर्शन कराऊंगा, जो कि बोल सकते हैं कि शिवलिंग जो है प्रकट हुए है जागुकेश्वर मंदिर, और इनका नाम ही है देवस्थान करके, और इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका पूरा जो शिवलिंग लगभग 350-400 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, और आपको पुराना स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एरिया देख सकते हो, काफी कंजेस्टेड है, और इसके पूरे परिसर में काफी सारे मंदिर है। तो हम इसका जो है अंदर से पूरा व्यू देखेंगे, और पूरी जो इसकी डिटेल जानकारी है ये हमारे यहाँ के जो पंडित जी है वो हमें पूरा दिखाएंगे और इतिहास भी बताएंगे। तो चलते हैं अंदर में और करते हैं दर्शन और पूरा व्यू देखते हैं। इसका व्यू अगर आप देखोगे तो पूरा किलेनुमा बना हुआ है, लेकिन कुछ दुकानें इसके बाहर में, इसके लिए वो दीवारें दिखाई नहीं देती। हम अंदर चल के देखेंगे, यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, और इसके ऊपर में जो स्ट्रक्चर है ये पुराना स्ट्रक्चर है। तो गाइस चलते हैं अंदर में और दर्शन करते हैं। नमस्कार, मैं श्री पुरंदर भास्कर राव पंडे, यहाँ जागुकेश्वर देवस्थान में पुजारी हूँ। यहाँ हमारा जो कुल है वो 17वीं शताब्दी से यहाँ पुजारी बना हुआ है। आज अपन अपने जागुकेश्वर देवस्थान में जो 7.5 शिवलिंग है उनके दर्शन करेंगे। अग्नेश्वर महादेव है, तो अग्नेश्वर महादेव बोलते हैं, अग्नेय दिशा में प्रकट होने के कारण इन्हें अग्नेश्वर महादेव बोलते हैं। एक स्वयंभू शिवलिंग है, 7.5 स्वयंभू शिवलिंग में से एक बहुत ही प्राचीनतम ऐसी भल्ल भवानी की मूर्ति है, जो कि मंदिर प्रांगण में जब मंदिर बना है तब 17वीं शताब्दी में ये उत्खनन में मिली, तो उसको उसी समय से स्थापित किए। भल्ल भवानी की मूर्ति बहुत ही अतिशय सुंदरता से बनाई हुई है, और बाकी जब ये मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की हुई है। ये दत्त महाराज और यहाँ शिव पार्वती का विग्रह यहाँ स्थापित है। अन्नपूर्णा जी की मूर्ति अतिशय प्राचीन स्वरूप, और नाग देवता गणेश जी की मूर्ति है। भगवान गणेश जी की मूर्ति है, अतिशय सुंदर मोहक रूप। भगवान गणेश का सर्वप्रथम दर्शन करते हैं यहाँ, और उसके बाद में यहाँ जो जागुआ संत जागुआ महाराज का समाधि स्थल है, यहाँ दो समाधियाँ, संत जागुआ महाराज की समाधि, और उसके बाद में यहाँ पुण्यश्लोक मनाई माता की समाधि है। शताब्दी के लास्ट में संत जागुआ महाराज यहाँ पे जैसे प्रगट हुए, यहाँ पे 1680 में यहाँ पे आए, ऐसा बोला जाता है कि कर्नाटक की तरफ से यहाँ पे वो आए, और पहले सेलू में उन्होंने कुछ दिनों भगवान शिव की आराधना की, उस पश्चात वो नागपुर में आए, और नागपुर में यहीं पे जब यहाँ गोचराई का वन था, उस वन पे इन्होंने यहाँ पे तपस्या की। बहुत दिनों तक के तपस्या करने के बाद में यहाँ यानी साल में एक बार जैसे काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ में ही उनके गुरुस्थान था, तो गुरुस्थान में दर्शन करने के लिए और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए हर साल जाते थे, मगर कुछ कालवश और वृद्धाप्य काल के कारण वह वहाँ पे नहीं जा सके, तो इसलिए फिर उन्होंने यहीं पे तपस्या की, और भगवान भोलेनाथ ने यहीं पे उनको दृष्टांत दिया कि जहाँ जहाँ मेरे को खोजेगा वहाँ वहाँ मैं आपके दर्शन के लिए प्रकट होगा। तो भगवान श्री संत जागुआ महाराज ने कुछ गौड़ियों को यह बात बताई, और जब यहाँ उन्होंने उत्खनन किया वहाँ वहाँ शिवलिंग प्रकट हुए। यहाँ 7.5 स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें से पहला एक शिवलिंग आपने देखे है समाधि, उनके बाद में उनकी पत्नी पुण्यश्लोक मनाई की समाधि है। प्राचीनतम यहाँ पे ये हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान यहाँ पे सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह भी चंडिकेश्वर प्राचीनतम 7.5 स्वयंभू शिवलिंग में से एक है। अतिशय सुंदर यहाँ पे मंदिर को बनाया हुआ है, जो कि धर्म का प्रतीक है। यहाँ पे एक ही दिशाओं से आपको चारों भगवान के जो पैर है उनका दर्शन होगा, कि जो कि पूरे धर्म के प्रतीक होते हैं, तो चारों पैर यहाँ जो धर्म के प्रतीक है, और जो अपने चारों इस वेदों के भी प्रतीक होते हैं। कैसे हम अतिशय सुंदर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे भगवान आशुतोष का जो नाग देवता यहाँ पे है, कुछ आयुध रखे हुए हैं, जो पिनाक आयुध का भी एक यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर में एक बिलो पत्र बना हुआ है, एक सूर्य बना हुआ है, कलश भी बना हुआ है जो कि शक्ति का स्वरूप है, और ऊपर में जो ये मूर्ति बनी हुई है कार्तिक स्वामी की बाल स्वरूप मूर्ति है, जिनको मैंने बाल स्वरूप का स्कंद भगवान बोलते हैं, उस स्वरूप में यहाँ कार्तिक स्वामी की मूर्ति है। यहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा है, जो कि धर्म का प्रतीक माना जाता है। उसके ऊपर में चंद्रमा है, कल्पवृक्ष का भी है, और कल्पवृक्ष का पेड़ वहाँ पे अंकित है। उसके बाद में यहाँ पे त्रिशूल और डमरू, जो नाग ब्रह्म का स्वरूप डमरू वहाँ पे प्रसिद्ध है, और उसके बाद ऊपर में गणेश है वो भी यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ इस द्वार से 1680-81 में भगवान शिव का यहाँ प्रागट्य हुआ हुआ है। 1721 में इस मुख्य गर्भगृह को नागोजी नेगी नाम के सरदार ने बनाया, जो कि भक्त बुलंद बादशाह का सरदार था। उन्होंने यहाँ बहुत ही
सुंदर तरीके से इस शिवालय को बनाया, जो कि अतिशय प्राचीन शिवालय है। और यही हमारे जागृतेश्वर महाराज का जो मुख्य विग्रह है वो यहीं पे प्रागट हुआ है। यहाँ पे भगवान शिव के साथ में गणेश जी, नाग देवता, अन्नपूर्णा माता, गंगा माता का विग्रह है। यह बहुत ही प्राचीनतम यानी 18वीं शताब्दी से बना हुआ जो है, वही घंटा यहाँ पे अभी भी स्थित है दोनों। और ऊपर में जो है ये कि विशिष्ट एक यंत्र बना हुआ है जिसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे पुरानी चौखट आपको दिखाई देगी, दो चौखट है, और जैसे कि बाहर बाद में जो है ये कड़प के ऊपर से लगा देगी पूरे मंदिर में, लेकिन ऊपर का अगर आप देखोगे तो ये पुराना पत्थर है जो मंदिर की बनावट है। और यहाँ पे जैसे ये एक चौखट है, निकल के देख सकते हो कि कैसे दरवाजे इसमें दो लगे हुए हैं। दरवाजे के ऊपर में कीर्तिमुख है। हाँ, कीर्तिमुख है। भगवान शिव के दर्शन के लिए जब भी जाते हैं तो कीर्तिमुख को सर्वप्रथम नमन करना पड़ता है, ताकि भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो। कीर्तिमुख का दर्शन करने से अपने पूरे जो भगवान शिव का दर्शन सफल होता है। शिवलिंग है अतिशय प्राचीनतम शिवलिंग है जिसे तख्तेश्वर बोला जाता है। यहाँ पे भगवान आशुतोष तख्तेश्वर स्वरूप में प्रसन्न होते हैं, जिसको भी किसी तख्त की या किसी आसन की जरूरत है, या कोई अगर स्थायी रूप में कुछ पाना चाहता है तो तख्तेश्वर की पूजा अर्चना यहाँ पे वो अपनी मनोकामना के लिए कर सकता है। अभी हम चले गए श्री गौरी शंकर मंदिर में। ये स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, यहीं का है या फिर बाहर से लाया गया? नहीं नहीं, यहीं का शिवलिंग है, जो अतिशय प्राचीन शिवलिंग जब यहाँ मंदिर बना होगा उसी समय में इसको स्थापित किए हुए। अच्छा। यानी पुराना ही शिवलिंग है। मंदिर पत्थर का जो कि थोड़ा सा जीर्ण स्वरूप हुआ था, इसलिए उसको नए स्वरूप में बनाया गया। ये गौरी शंकर मूर्तियां बहुत ही सुंदर से है, 7 घोड़े हैं, इसके ऊपर भगवान रथ है। बिल्कुल, यहाँ पे रथ भी दिखाई दे रहा है कि रथ लग रथ है, और रथ के ऊपर में भगवान सूर्य नारायण, ये विष्णु जी की मूर्ति है। यहाँ पे माता पार्वती जी की मूर्ति है, और अतिशय प्राचीनतम यहाँ महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, जो कि अपने को बहुत ही कम दिखाई देती है। भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर में इसको भी स्थापित किया हुआ है, जैसे कि यहाँ महिष है और भगवान माता इसका मर्दन करें। यह यज्ञशाला है, यह अतिशय प्राचीन यज्ञशाला है जो कि पहले पत्थर की थी, और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पहले लकड़े का सभा मंडप था जो कि 16 पिलर का था। तो वो बहुत ही जीर्ण होने के कारण फिर उसका जीर्णोद्धार कराया गया, और यही यज्ञशाला बहुत ही सुंदर स्वरूप में बनाई गई, और जो जीर्ण अवस्था में हुए हुए जो खंभे है उसको निकाल के यहाँ पे भी सीमेंट कॉन्क्रीट का स्लैब का ऐसे यज्ञशाला बनाई गई, जो कि अतिशय सुंदर है। और यहाँ पे जिस तरीके से प्राचीन काल में बहुत सारे यज्ञ हुए, उस प्रकार से अभी भी यहीं पे बहुत यज्ञ होते रहते हैं। जब जब भी कुछ त्योहार होते हैं तो समय में, या फिर शिवरात्रि के वक्त बोलो या श्रावण में जो भी कभी यज्ञ कराना चाहता है तो इसी यज्ञशाला में संपन्न होता है। अभी अपन चले गए यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, अतिशय प्राचीनतम और पत्थर का बना हुआ ये मंदिर आज भी वैसे की वैसे स्थित है पूरा। यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है, ये जो छोटी मूर्तियां हैं ये अपने शरीर का विकार है, जो कि अपने शरीर के विकार को मंदिर के बाहर में ही रखना है। पूरे आप इधर में भी देख सकते हो कि जो है एक मातृत्व होता है, एक जैसे कि अपने शरीरों में विकार होता है ना, और कुछ अच्छे भी गुण होते हैं जो भी है, इस सबको यहीं पे छोड़ के भगवान के पास में अपने को जाना है, भगवान के सानिध्य में जाना है। तो ये जो मोह माया है वो यहीं पे द्वार पे ही छोड़ना पड़ता है, इसी के प्रतीक स्वरूप यहाँ छोटे छोटे जो मूर्तियां है वो बनाई हुई है। लक्ष्मी का भी विग्रह है जो कि रुक्मिणी के रूप में विट्ठल रुक्मिणी, बाजू में दाई भी गाय की मूर्ति है, और उसके बाजू में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है। प्रकृति अतिशय प्राचीनतम कला बनाई हुई है, ये सूर्य की मूर्ति है जो कि भगवान यानी अश्व के ऊपर में भगवान विराजमान है। बहुत ही पुराना होने के कारण यहाँ की मूर्तियाँ पूरी नष्ट हो गई है। इधर में चंद्रमा की मूर्ति है जो कि हिरण के ऊपर में विराजमान है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का प्रागट्य जो हुआ है वो ऊपर में कमल के फूल के ऊपर में प्रागट्य हुआ है, और जब सृष्टि का प्रागट्य हुआ तो उसका आनंद यहाँ पे मनाया जा रहा है। वो आगे में उसका आनंद मनाते हुए थोड़ी खेलते हुए कुछ अस्थियां दिखाई दी है। और यहाँ पे भी एक विग्रह जो कि श्रावण बाज बोलते हैं उनका है, कि जो अपने माता पिता को कावड़ से यात्रा कराते हुए ले जा रहे हैं। प्राचीनतम ऐसा यह मंदिर है। इस मंदिर के बाहरी भाग में अपन देखेंगे जो कि ये पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे पूरे अपन भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो पूरे अवतार के जो विग्रह है वहाँ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए अपन उस विग्रह का दर्शन करते हैं। यह राम रावण युद्ध है,
यहाँ पे जैसे ये रावण की मूर्ति है जो कि रथ पे सवार है, और वो राम की मूर्ति अंदर है जो कि रावण के साथ में युद्ध कर रहा है। यस, और ऊपर में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण है, जो दो लीलाएं यहाँ पे पत्थर में बनी हुई है। पूरे जो अवतार है भगवान विष्णु के, वह अवतार दिखे हुए हैं। यहाँ पे एक मत्स्य अवतार की मूर्ति दिख रही है जो कि सबसे पहले मत्स्य अवतार की मूर्ति है, उसके बाद में कच्छे अवतार की जो कछुए के में भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे वराह के रूप में जो भगवान है वह भी है। उसके बाद में यहाँ पे हनुमान जी के कंधे के ऊपर में राम और लक्ष्मण जो कि वहाँ पे जब हनुमान जी को मिले थे पर्वत के ऊपर में वह भी विराजमान है। उसके बाद में नरसिंह की मूर्ति है, फिर वामन की मूर्ति है, फिर परशुराम की मूर्ति है। ऐसी सारी मूर्तियां यहाँ पे गोल भगवान की बनी हुई है। ऊपर में देखो तो झूले में वहाँ पे भगवान जो है उनकी मूर्ति है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति है। नीचे में आप देखोगे तो नीचे में सबसे बीच में एक शिव की मूर्ति है जो चतुर्भुज शिव कहलाते हैं। चतुर्भुज शिव की मूर्ति बहुत ही कम दिखाई मिलती है, जो कि बहुत प्राचीनतम मंदिरों में ही दिखती है, क्योंकि जो चतुर्भुज शिव है वो बहुत ही कम उनकी मूर्तियां बनाई जाती है। यहाँ एक गंगा जी भी है जटा में धारण करते हुए, और जैसे कि आजू बाजू में दास दासियां हैं, तो इस स्वरूप में भगवान शिव का दर्शन काफी कम होता है, क्योंकि हमेशा ही तो वो स्मशानवासी होते हैं, हमेशा ही ध्यान मग्न होते हैं, यानी राजस उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ही कम, और उसी स्वरूप में उसका दर्शन यहाँ पे बनाया जाता है। बहुत ही प्राचीनतम ऊपर से बना हुआ यह मंदिर है, जिसको कि बीच में सलाखें थी, जैसे कि अपनी मोह माया को अपन अपने जो शरीर में होती है मोह माया, वैसे ही ये पूरा अपना जो प्रकृति है वो मोह माया से जकड़े हुए है, और अपने शरीर के अंदर में भी मन के अंदर में भी जैसे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, वैसे ही यह मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। इसी के लिए इस आकृति में इस संकलों को दर्शाया जाता है। इसे प्राचीनतम बिल्ल भवान की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई, और ऊपर में यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी का प्रागट्य है। भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शैया पे लेटे हुए हैं, और उनके नाभि में से जो कमल निकला हुआ है उसके ऊपर में ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रागट्य हुए हैं। और ऐसे सभी भगवानों के यहाँ पे विग्रह छोटे छोटे स्वरूप में दिए गए हैं। टेम्बू काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में से 7.5 शिवलिंग में से एक प्राचीनतम शिवलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंग यहाँ पे देखो बढ़िया ऐसे काशी विश्वनाथ जैसे विराजमान है। यहाँ पे जो लिंग है बहुत ही छोटा है स्वरूप में है। अन्नपूर्णा की मूर्ति है जो कि प्राचीन मार्बल के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। यह बुद्धिदात्रेश्वर की मूर्ति है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे, उसमें से एक मूर्ति यहाँ पे यहाँ बुद्धिदात्रेश्वर है। हरे कलर के मार्बल की बनी हुई जो पिंड होती है उसको बुद्धिदात्रेश्वर बोलते हैं। विद्यार्थी इनकी पूजा करने अगर विद्यार्थी करते हैं तो विद्यार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कल्याणेश्वर की मूर्ति है, जो कल्याणी के साथ में जो होते हैं ईश्वर, जिसका यानी विग्रह जो है भगवान शिव का कर्पूर वर्ण है, और कल्याणी का जो विग्रह होता है वह काले पत्थर का बना हुआ होता है। तो यहाँ ये कल्याणेश्वर की मूर्ति है। इसे धनेश्वर की मूर्ति कहते हैं, जो कि काले कलर रंग के मार्बल से या पत्थर से बनी हुई होती है। यह प्राचीनतम मूर्ति है जिसके ऊपर में नाग अंकित है, इसलिए इसे धनेश्वर कहा जाता है। और जो इन्हें अपने धन सुरक्षित रहने के लिए भगवान आशुतोष का इस रूप में दर्शन करते हैं। यहाँ यह अन्नपूर्णेश्वर की मूर्ति है, जो कि भगवान शिव जी भी यहाँ पे गोरे स्वरूप में है, कर्पूर वर्ण है, और माता पार्वती का भी यहाँ वर्ण एकदम गोरा वर्ण है, जो कि अन्नपूर्णा के रूप में आता है। यह पातालेश्वर शिवलिंग है, यह छठवां शिवलिंग है अपने मंदिर का, जो कि स्वयंभू प्रकट हुआ है। साथ में गणेश जी की मूर्ति है, नाग देवता है, अन्नपूर्ण माता है। एक छोटा शिवलिंग गर्भगृह था, छोटा मंदिर था, जो कि जीर्णावस्था के कारण मृत्युकरण में उसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, रुई का पेड़ था, उस रुई के पेड़ के नीचे नाग देवता का वास उसी समय से था, तो सारे लोगों ने उसके दर्शन किए, तो उसी के याद में यहाँ पे फिर अभी यह नागराज का यह विग्रह यहाँ पे स्थापित किया हुआ। नागराज के साथ साथ में यहाँ पे सभी संतों की मूर्तियाँ भी है। गजानन महाराज की मूर्ति है यहाँ। यहाँ रेणुका माता का विग्रह जो कि
अभी 10 साल हो गए यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसा विग्रह है काल भैरव जी का, जो कि अतिशय प्राचीनतम मूर्ति है। मंदिर भी पत्थर का ही बना हुआ है। इसको सिर्फ यहाँ पे अभी सजावट के कारण नूतनीकरण में इसके ऊपर में टाइल्स वगैरह लगाई गई। ये भी पत्थर का ही मंदिर है और यहाँ बहुत ही पुराना ऐसा जो विग्रह है महाकाल भैरव जी का, यहाँ पे जो है चतुर भुजधारी, बहुत ही सुंदर विग्रह है। बाजू में एक स्तंभ है और त्रिशूल भी यहाँ पे स्थापित है। यह वीर हनुमान जी की मूर्ति है, प्राचीनतम मूर्ति। यह भी एक पत्थर का स्वतंत्र मंदिर था, मगर जो अभी बहुत पुराना होने के कारण, जीर्ण अवस्था के कारण, उसको निकाल के यह नया मंदिर में उनकी पुनर्स्थापना की गई। 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को जो पढ़ाई करेगा, जो 3 में जिसका यह होता है कि वाचन करेगा, फिर मनन करेगा, फिर लिखेगा, तो ऐसे 3 बार 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में अगर कोई पढ़ता है इस मंत्र को जाप करने के बाद में पढ़ाई करेगा, तो वो कभी असफल नहीं होता है। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है, आज भी अच्छी स्थिति में अपने को देखने को मिलता है। जो कि कार्तिक स्वामी का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे प्रज्ञावर्धन स्तोत्र लिखा हुआ है। और यह कार्तिक स्वामी का विग्रह बहुत ही सुंदर ढंग से आपको देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी कार्तिक स्वामी का दर्शन कराता है, दर्शन करता है और पढ़ाई करता है, उन्हें यश और परीक्षा में हमेशा सफलता मिलती है। जागनाथ में प्राचीन काल से ही अन्नक्षेत्र चलता था, बीच में वह टूट गया। अभी जब भी ट्रस्ट आया तो उस समय से यहाँ पे अन्नक्षेत्र चलता है। जो भी गरीब लोग यहाँ पे भजन करने आते हैं दोपहर के वक्त, वो यहाँ अन्नक्षेत्र में खाना, यहाँ पे भगवान का भोग लगने के बाद में प्रसाद पा सकते हैं। वैसे कोई भी आके यहाँ पे प्रसाद पा सकता है, यहाँ पे कोई भी भोजन कर सकता है, भोजन की यहाँ व्यवस्था है पूरी। तो यहाँ जैसे 50-55 लोगों का रोज खाना होता है, रोज कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पे रोज भगवान को भोग लगने के बाद में यहाँ जो खाना होता है उसके लिए हर भाविक को, अगर किसी को लगता है तो वह यहाँ पे 451 रुपये दे के अपना नाम लिखवा के एक दिन का रसीद कटवा सकता है, जिसको जागृतेश्वर देवस्थान ट्रस्ट की तरफ से हफ्ते में सप्ताह में एक बार ये धर्मार्थ दवाखाना निःशुल्क चालू होता है, जिसका भी दवाई का भी वितरण यहाँ निःशुल्क होता है। सोमवार के दिन यहाँ दवाखाना चालू रहता है। अगर किसी सप्ताह में किस कार्यक्रम के वजह सोमवार को चालू नहीं रहा तो फिर गुरुवार को चालू होता है, या फिर जिस दिन भी वो चालू रहेगा उस दिन नोटिस बोर्ड पे उसे लिखा जाता है। और जिन भी भक्तों को यहाँ पे कुछ मदद करनी है, दवाई देनी है, तो वो भी ट्रस्ट से रसीद प्राप्त करके यहाँ पे अपना अपना सहयोग दे सकते हैं। साल में एक बार टिपुर पूर्णिमा के दिन यहाँ पे टिपुर भी जलाया जाता है ऊपर में, उस समय में बहुत ही सुंदर इसको सजाया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है। प्राचीनतम यह विश्वकर्मा का मंदिर है, ऐसा कहते हैं कि ये नदी में मिली हुई मूर्ति यहाँ पे फिर जो पांचाल लोग होते हैं उन्होंने यहाँ पे स्थापित की और वहीं से उसी समय से यहाँ पे विराजमान है। पीतल की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि जैसे इंजीनियर होते हैं तो भगवान के भी जो इंजीनियर है वही ये देवता है विश्वकर्मा, जिनके हाथ में हथौड़ा भी है, आरी भी है, एक इसमें उनका किला भी है, मीटर पट्टी भी है, तो यानी सारे आयुध यहाँ पे इनके हाथों में है। तो गाइस अभी हम लोग इधर अंदर चल रहे हैं एक दरवाजे के अंदर में, और इस दरवाजे की खास बात ये देखिए, इसमें अभी भी उस जमाने की चौखट आपको दिखाई देगी जो पहले हुआ करती थी। देखिए कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे गणेश भगवान है। ये सर पहले के है कि बाद में? पहले के, पहले पहले के, ये धातु के है ना? हाँ, पीतल का पूरा, पूरी फ्रेम पीतल की है, पूरा प्राचीनतम बना हुआ वो मंदिर। इसमें डिजाइन कैसी पीतल की बनाई गई है, अंदर में कांच है, कांच है, कांच है, आईने हैं उसमें पूरा। ये यहाँ से दिखता है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको, ये कांच थोड़ा सा साफ है तो यहाँ पे देखो पूरे अपने चेहरे दिखेंगे। देखिए कितना जबरदस्त बनाया गया है पीतल का, ये ऊपर का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये नीचे में द्वारपाल है दोनों तरफ से, कितना ज्यादा है ये। यहाँ पे द्वारपाल बना हुआ है, द्वारपाल की मूर्तियां जिसे कहते हैं कि जय विजय, दोनों साइड में है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई मूर्ति। और ये घंटा घर है, अतिशय प्राचीन घंटा यहाँ पे, ये घंटा हाँ 18वीं शताब्दी से यहाँ पे लगा हुआ है। तो वैसे देख सकते जो मुख्य शिवलिंग है यहाँ पे, वो इधर का पहले खुला था एरिया, ये सब कुछ नहीं था, तो अगर सूरज पहले उगेगा तो पहली किरण आखिरी शिव के, शिव जी तक के पहुँचती थी, ऐसा इसको बनाया गया है इस मुख्य द्वार पे। और इसके ऊपर में देख सकते कितना खूबसूरत आपको दिखाई देगा, 12 धारी
ऊपर में, और इसके आसपास में दोनों साइड में आपको बड़ी सी दीवार दिखाई देगी, लेकिन अभी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, पूरी दुकानें यहाँ पे लगी हुई है इसके लिए। वो इस साइड में आपको दिखाई देंगी जिसकी ऊंची दीवार है। तो गाइस यहाँ पे आपको बुर्ज दिखाई देगा, और यहाँ पे खास बात आप देख सकते हो कि इसका एंट्रेंस कितना जबरदस्त है, जो कि अभी बंद हो गया है। इसका एंट्रेंस देखिए, ये अंदर का बना हुआ, और इसका ये एंट्रेंस इधर, ये ऊपर में रोशनी आपको आती हुई दिखाई देगी। देखिए ये ऊपर में जाने के लिए, और इसका जो नीचे से आता है वो ये वाला गेट है। ये देखिए यहाँ से नीचे से आता है, लेकिन ये नीचे का जो एंट्रेंस है वो बंद हो गया है अभी। तो गाइस देखिए यहाँ से जो है रास्ता है, लेकिन ऊपर में ये पेड़ उग गया है, फिर भी वहाँ से मैं आया हूँ दोनों पेड़ के बीच में से, ताकि ये ऊपर का मुझे देखना था। इसके लिए ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा थोड़ा मस्जिद जैसे, कि पुराने जमाने में जो आक्रमण हुआ करते थे इसके लिए इसे ऐसा बनाया गया था। देखिए और यहाँ से जो है पहरेदारी की जाती थी, ये काफी हाइट पर है, यहाँ से पूरा पहरेदारी होती थी इस किले की। तो ये इधर से भी खुला है। सो गाइस उम्मीद करूंगा कि यहाँ श्री जागृतेश्वर जो देवस्थान मंदिर है, और आपको दर्शन करके बहुत अच्छा लगा होगा, और महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी दी है जो शायद ही मैं नहीं बता सकता था। इसलिए सर का भी हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने हमें परमिशन दी और ये आपको दिखाने का एक अवसर दिया। बस ये तो आपने वीडियो में देखा है, लेकिन अगर आपको दर्शन करना है और आशीर्वाद लेना है तो आपको यहाँ तक के आना पड़ेगा। तो नागपुर वासियों से सभी से मैं विनती करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, और भोलेनाथ के अगर आप भक्त हो तो आप तो जरूर आओगे गाइस। और महाराज जी क्या आप बोलना चाहोगे भक्तों को? सभी लोगों ने नगर देवता के दर्शन के लिए आना चाहिए, और भगवान आशीर्वाद सभी ने कृपा प्रसाद प्राप्त करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और भी हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, नागपुर के ऐतिहासिक मंदिर और भी बहुत सारे आने वाले गाइस, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए गाइस। धन्यवाद।